नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेंद्र पवार। और दोस्तों फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। और दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने या मैं आपको बताने से पहले आपको बताऊंगा कि मैंने लगभग 4-5 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बनाई थी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि किसी काम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और आपको वो वीडियो प्राप्त नहीं हो सकी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि मेरा मकसद ये है मेरा कि जो महत्वपूर्ण न्यूज होती है, जो कोई भी अभ्यर्थी हो, रीट के अभ्यर्थी हो या कॉन्स्टेबल के अभ्यर्थी हो या जिनसे संबंधित कोई न्यूज होती है या सेकंड गेट के रिजल्ट से संबंधित कोई भी न्यूज हो, तो मेरा मकसद ये है कि कोई भी वीडियो बनाओ वो आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज हो, न कि ऐसी कोई लेटेस्ट न्यूज जिससे आप असमंजस में पड़ जाए कि मैंने वीडियो बनाई लेकिन तो भी आप कहते हैं कि भाई वीडियो बनाए लेकिन तो भी मेरे को मालूम नहीं पड़ा। तो दोस्तों इसलिए मेरा मकसद ये है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपके महत्वपूर्ण होती है और वीडियो जो आपसे संबंधित होती है और वो एकदम क्लियर न्यूज होती है, ना कि कोई ऐसी न्यूज। तो दोस्तों आज की जो न्यूज़ की बात करता हूँ मैं वो रीट के अभ्यर्थी है उनसे संबंधित न्यूज है और जिनके एग्ज़ाम 11 फरवरी को निश्चित डेट है, उस तारीख को होना है। और वो जो जी राजस्थान की जो न्यूज़ में जो आया है कि 60-40 का अनुपात रहेगा या रीट में 60-40 का अनुपात रहेगा या 70-30 का अनुपात रहेगा, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो जी राजस्थान न्यूज़ में जो ये फ़ोटो देख सकते, मैंने फ़ोटो खींचे थे वीडियो में, माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ये जो फ़ोटो खींचे वीडियो में वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं फ़ोटो आपको बता रहा हूँ। ये जी राजस्थान के न्यूज़ के फ़ोटो है। 2012-2013 में सबसे कठिन पैटर्न से परीक्षा है, जो न्यूज़ थी न्यूज़ के बारे में जो आप देख सकते। 2012-2013 में सबसे कठिन पैटर्न से परीक्षा, इसके बाद में ये भी जी राजस्थान की न्यूज़ है। फरवरी में होने वाली परीक्षा सबसे सरल पैटर्न पर, ठीक है, आपके 11 फरवरी को होगी वो एग्ज़ाम। शिक्षक पात्रता परीक्षा के 60% अंक जुड़ेंगे इसमें, आप देख सकते हो इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा के 60% अंक जुड़ेंगे, इसमें थोड़ी ये असमंजस वाली बात है। इसके बाद में स्नातक के 40% अंक जुड़कर देंगे नियुक्तियाँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा रीट में जो फॉर्मूला है वो स्नातक के 30% और जो रीट के है उसमें 70% जुड़ के जो आपको नियुक्ति दी जाएगी या जो भी आपके मेरिट बनेंगे वो उसको मिला के बनेगी, लेकिन इसमें ये स्नातक के 40% अंक जुड़कर देंगे नियुक्तियाँ, इसमें थोड़ा असमंजस है। इसके बारे में जो भी इसके अलावा कोई न्यूज़ और थी, इस पैटर्न को सबसे अच्छा पैटर्न माना जा रहा है। भर्ती में केवल एक परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है योगी। तो इसको जो आप देख सकते हैं इसमें शिक्षक इसके बारे में ये न्यूज आपको बता, स्नातक के 40% अंक जुड़कर देंगे नियुक्तियाँ। दोस्तों जो ये मैंने आपको फ़ोटो बताया और जो जी राजस्थान न्यूज़ से संबंधित फ़ोटो है और जो सरासर झूठ है, ये झूठ इसलिए मैं बोल रहा हूँ अब दोस्तों आपको कि जो रीट का फॉर्मूला है वो एकदम निश्चित है, वो 70-30 का रहेगा, न कि 60-40 का। ये दोस्तों मिस प्रिंटिंग है और दोस्तों इनको जी राजस्थान न्यूज ने जो ये 40% लिखे है या फिर उनको 30 स्नातक के 30% अंक जुड़कर देंगे नियुक्ति लिखना था, लेकिन इसमें 40% लिख दिया इसने, तो ये इनसे गलती हो गई है। न कि आप ये ना समझे कि फार्मूला चेंज हो गया, फार्मूला आपके वो का वो है, 70-30 का ही रहेगा आपके, न कि 60-40 वाला। तो आप असमंजस में ना रहे, रेट की तैयारी करें और पूरा ध्यान अपने तैयारी पे दे, न कि ऐसी फर्जी बातों पर। ये वैसे फर्जी बात तो नहीं है, जी राजस्थान न्यूज़ की है इसलिए आप इसको सही भी मान सकते हो, लेकिन ये सही नहीं है। मैंने खुद कोई भी न्यूज़ थी उनसे संबंधित जो पड़ताल की और जो भी मेरे साथ डाटा थे उनके जो भी आंकड़ों से मैंने पता किया कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के 60% अंक नहीं जुड़ेंगे बल्कि ये 70% अंक जुड़ेंगे आपके। तो दोस्तों आप निश्चिंत रहे और अपनी तैयारी पे ध्यान दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, किसी प्रकार के वायरल न्यूज़ की वायरल पड़ताल के लिए आपको अगर लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए कोई भी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके विद योगेंद्र पवार को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और दोस्तों इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी हो, अगर आपको पसंद आई हो तभी लाइक करें, नहीं तो अनलाइक का बटन दबा दें, कि मेरा मकसद ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप खुद लाइक कर दें, ना कि मेरे बोलने से। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार की कोई लेटेस्ट न्यूज प्राप्त करनी है तो दोस्तों आप मेरा यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके विद योगेंद्र पवार को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट न्यूज और इसी प्रकार की जो वायरल न्यूज होती है उसका मैं वायरल पड़ताल करने के लिए आपके लिए सदा तैयार हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार विदा लेता हूँ एक वीडियो से, इसी वीडियो से, और आऊँगा एक नई वीडियो के साथ।